तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और आज फिर से हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नया सब्जेक्ट लेके। और देखिए, बारिश के बाद जो है थोड़ी सी जब बारिश हुई है और धूप आई है तो मेरी सब्जियाँ दोबारा से फिर से खिलने शुरू हो गई हैं। मैं यूँ कहूँ कि थोड़ी सी नई जान इनमें आ गई है, तो मैंने फ़िलहाल इनको जो है निकालने का मतलब विचार थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि ये देखिए, यहाँ पर मेरी ये मेथी जो लगी हुई थी, चूहा इसे खा गया, या चूहे ने, गिलहरी ने, पता नहीं किसने खाई है। और फ्लावर भी फिर से थोड़ा थोड़ा खिलने शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको धूप मिल रही है अब। और इस पे देखिए मेरी एक दो स्ट्रॉबेरी भी जो है पक्के रेडी हैं, बहुत जल्दी मैंने निकाल लूँगी। ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से गिलहरी और चूहों से, बंदरों से बचाई है। और बाकी प्लांट में फ्लावरिंग तो अभी हो ही रही है। इधर भी काफ़ी सारे फूल मेरे खिले हुए हैं। हालांकि आज मैं फ्लावर्स पे या इन और चीज़ों पे वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज आप लोगों को पता ही है कि स्प्रिंग सीजन जो है स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त हम लोग सबसे ज़्यादा जो है कटिंग करते हैं, या जो प्लांट्स हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग हम लोग इस वक्त करते हैं। तो ये देखिए, आज मैंने भी अपने दो प्लांट्स जो है निकाल के रखे हैं। ये मेरा कड़ी पत्ता है जिसको मैंने पहले भी कई बार आपको दिखाया, और ये देखिए इसके सारे जो पत्ते हैं झड़ चुके हैं इस वक्त। और मैंने जो कड़ी पत्ते पे पिछली वीडियोस बनाई हैं उनको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आज भी मैं जो है अपने कड़ी पत्ते की और अपने ये गुड़हल के पौधे की जो है हार्ड प्रूनिंग करने जा रही हूँ, तो मैं इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके लिए जो मेन जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो भी साथ साथ मैं बताते जाऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको ये देखना कि आपका प्लांट मतलब ठीक है, लाइव है, या इस पे जैसे देखिए कि नए शूट्स आने जैसे शुरू हो गए हैं इस पे, अब इसका मतलब ये ग्रोथ लेना शुरू कर रहा है। इसी तरह ये मेरा गुड़हल का भी है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं है तो मैं इसको भी हार्ड प्रून कर रही हूँ, ये भी नई ग्रोथ ले रहा है धीरे धीरे। और इसके सारे पत्ते कुछ बंदरों ने पहले मेरा काम आधा कर दिया था, ये देखिए झाड़ दिए थे, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। तो इसके लिए देखिए मैंने शार्प एक टूल ले रखा है, बिल्कुल ये आता है, आप लोग इसको भी मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बहुत शार्प ये होता है। और जैसे कि मैं केमिकल वाला यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने जो है इसको थोड़ा, मेरे पास सैनिटाइज़र था घर में, उससे साफ़ कर लिया। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा उबलते पानी में इसका आगे का हिस्सा हिला सकते हैं, तो भी ये जो है प्लांट में जो फंगस लगने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और अब मैं आपके सामने धीरे धीरे देखिए, ये जैसे इस तरह से कड़ी पत्ता जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे ये कभी नहीं बढ़ता है, इसलिए आपको ऊपर से ही इसको कट करना है। अभी मैं इसको और कट करूँगी धीरे धीरे, बहुत ऊंचा हमें इसे नहीं जाने देना है अगर हम इसको घना बनाना चाहते हैं। ये इधर से भी इस तरह से, ये देखिए मैंने इसके बहुत सारे शूट जो है इस तरह से काट दिए। हालांकि मेरे लिए एक फोन पकड़ना और कटिंग करना दोनों मुश्किल है, तो ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह कट कर दिया। अब ये धीरे धीरे जो है यहाँ से अपनी नई नई शूट निकालेगा और पूरा जो है मतलब ये घना हो जाएगा। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मैंने करा नहीं था, ये बंदरों ने बीच में से इसको चीर दिया था, तो ये दो हिस्से इसके हो गए ऑटोमेटिकली अपने आप ही। और अब इसके यहाँ से हर जगह से थोड़ा मोटा है, ये खुद ब खुद शूट निकालेगा। और इसको कटिंग करने के बाद जो है मैं अभी इसको जो है बिल्कुल थोड़ा सा छाया में रखूँगी अभी, ताकि जो कट किए हुए प्लांट्स पे एकदम से तेज़ धूप ना लगे। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा हल्दी का घोल भी, क्योंकि मैंने बताया मैं केमिकल वाली गार्डनिंग नहीं करती हूँ, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा हल्दी का घोल ये तैयार करके रखा था। हालांकि मैं ये थोड़ा पतला हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक है, इसमें चल जाएगा। ये इस तरह से आपको सब जगह लगा देना है। ये लगाने का यही है कि कहीं हमारे प्लांट को गलती से थोड़ा सा फंगस इसमें ना लग जाए। तो ये लगाने के बाद देखिए सारा ये मैंने लगा दिया जहाँ जहाँ मैंने कट किया था पूरे उसमें।
और अब इसको मैं कुछ दिन के लिए जो है बिल्कुल थोड़ी सी छाया वाली जगह पर रख दूंगी, ताकि जब ये सूट निकाल लेगा उसके बाद जो है मैं इसको जो है इधर धूप की तरफ शिफ्ट करूंगी, तो कहीं ऐसा ना हो ना सूख जाए पूरा प्लांट। इसके अलावा आपने जो कटिंग करी है, आप चाहें तो इनको भी ठीक से बना के, क्योंकि ये काफ़ी मोटी कटिंग है, तो कटिंग आप लगा सकते हैं इनकी भी। इस वक्त लगा के दो चार जो भी आपके निकलते हैं, आप चाहें तो इनको कटिंग लगा सकते हैं। वही हल्दी का घोल लगा के, ये देखिए मैंने यहीं लगा दी है। लगेंगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो ये भी एक्सपेरिमेंट है एक। और गुड़ाई उड़ाई भी मैंने इसकी खूब अच्छे से कर रखी है, तो बस इनको लगा के मैं जो है छाया की तरफ रख दूंगी, और 20 दिन के बाद ये खुद ब खुद जो है थोड़ा सा ग्रोथ लेना शुरू करेगा, तो तब मैं इसको इधर जो है बाहर की तरफ ले आऊँगी धूप में। तो बस इसको मैंने मनी प्लांट के साथ वाले कॉर्नर के पास इधर रख दिया, इधर मेरी धूप कम आती है, ये अब अपने आप यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। अब रही बात गुड़हल की, तो वो इसके साथ भी आपको सेम यही मेथड करना है। ये देखिए बिल्कुल मैं काटते जा रही हूँ इसको, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है बिल्कुल। इसको भी इसी तरह से कटिंग करने के लिए करके रख दिया है, अब ये अपने आप ये भी ग्रोथ लेगा धीरे धीरे। इसके साथ भी सेम वही करना, हल्दी लगा के वही थोड़ा छाया की तरफ रख के, और ये भी एक दो मतलब 15-20 दिन में ये भी जो नई शूट निकालना शुरू कर देगा, तो इसको भी फिर धूप की तरफ रख दूंगी, क्योंकि गुड़हल और कड़ी पत्ता दोनों ही बेसिकली धूप वाले प्लांट हैं। लेकिन अभी मैंने इनकी जो है हार्ड प्रूनिंग की है, तो मैं नहीं चाहती कि प्लांट जो है थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएं। अभी अभी वो डोरमेंसी से निकले हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा जो है छाया की तरफ ही रखूँगी, एकदम से तेज़ धूप में नहीं रखूँगी अभी। इसके अलावा आज मैंने देखी अपने कितने सारे प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग की है, हालांकि मैं पूरे दिन फिर वीडियो बना नहीं सकती हूँ। जो मेन प्लांट थे उनकी मैंने आपको दिखा दी है अभी, और ये भी मैंने निकाल के रखे हैं, और इनको भी मैं कैसे किस फ्रिज में भरूंगी। अभी आज धूप आई है तो मैंने इन्हें सुखाने रखा हुआ है। इनका यूज़ कैसे करना है, किस तरह से इनको ग्रो बैग में या गमले में इस्तेमाल करना है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही थी, जो मैंने ये जो ग्राफ्टिंग करके लगाया था, ये भी देखिए मेरा लग गया है। आज ही मैंने इसकी वो खोली, खोल के देखी है, मुझे लग रहा नहीं था कि होगा सक्सेस, लेकिन ये हो गया है। ये काफ़ी सारे मैंने ग्राफ्टिंग के लगा रखे हैं, उस सब का रिजल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।